सोशल मीडिया की मरूफ शख्सियत और बिग बॉस OTT3 के साबिक मदे मुकाबल अदनान शेख ने खुद को अपनी बहन के साथ गर्मा गर्म तनाजे के दरमियान पाया है। लाखों पैरोकारों और मजबूत ऑनलाइन मौजूदगी के साथ अदनान शेख अक्सर लोगों की नज़रों में रहते हैं, लेकिन इस बार तवज्जो एक गहरे ज़ाती मसले पर है। अदनान शेख ने हाल ही में अपनी बहन इफ़त के खिलाफ दंदोशी कोर्ट मुंबई में हद तक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया है। इनके ख़ानदान में महीनों से बढ़ते हुए तनाव के बाद 11 अक्टूबर 2024 को अदनान शेख को अपने वकील के साथ अदालत में आते हुए देखा गया है। वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हाल ही में अदनान शेख के वालिद ने बहन भाइयों के दरमियान जारी तनाज़े के बारे में बात करते हुए कहा, मेरी बेटी के ससुराल वाले इसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसने इस सूरत हाल की वजह से होने वाली परेशानी को याद करते हुए कहा, मैं और अदनान शेख ने इसे ऐसे शख्स के साथ ना रहने की तकीद की थी, लेकिन इसने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। अपने शोहर की शराब नोशी और सिगरेट नोशी की आदत के हवाले देते हुए अदनान शेख के वालिद जो इस वक्त ऑक्सीजन पर हैं और जज्बाती तनाव की वजह से इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, शदीद मुतासर भी हो रहे हैं। अदनान शेख के वालिद ने इनकी सूरत हाल की संगीनी का इजहार किया है। इस मसले ने इनकी सेहत को शदीद मुतासर किया है। मेरी बीवी के पेपरों को 50% नुकसान हुआ है। अब हम रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। इस तनाज़े से मुतलिक मसलसल पूछ-गूछ और फैसलों से पनाह मांग रहे हैं। अदनान शेख के मुताबिक 8 माह से तनाज़ा चल रहा था। इस दौरान इसने खामोश रहने का इंतखाब किया। ताहम सूरत हाल इस वक्त मज़ीद ख़राब हो गई जब इफ़त शेख ने अदनान शेख की अहलिया आयशा शेख और इनके वालदीन के बारे में अवामी तबसरे करना शुरू कर दिए। अदनान शेख ने वजाहत की है, ये एक अहम नुक्ता था जिसने इसे हद तक इज्जत के मुकदमे में आगे बढ़ने का इशारा किया। अदालत के बाहर मीडिया से मुख्तसर बातचीत में अदनान शेख ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि ख़ानदानी मामलात को निजी रहना चाहिए था, लेकिन मेरी बहन इफ़त शेख ने इनको पब्लिक कर दिया है। अब फैसला अदालत में ही होगा। इस वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।